हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्नो पीडिया पे। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, विच इज अ टॉपिक फ्रॉम रोटेशनल मोशन। तो अगर आपने हमारा रोटेशनल मोशन का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा रहेगा तो प्लीज जाके उसे देख लेना, उससे आपको ये आज का वीडियो इजिली समझ में आएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नो पीडिया चैनल को, ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज कंजर्व्ड और रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो हमें यहाँ पे कहा गया है कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर उस बॉडी पे एक्सटर्नली एक्ट होने वाला टॉर्क रहेगा जीरो। तो अभी हम जो डेरिवेशन देखेंगे उसमें हम चेक करेंगे कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है एल बार वो कांस्टेंट है कि नहीं है। तो हमने डेरिवेटिव्स में क्या देखा था? अगर कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आएगा जीरो। तो अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एल बार का डेरिवेटिव जीरो आता है कि नहीं। तो अगर इसका डेरिवेटिव जीरो आया तो एल बार इज कांस्टेंट, और इसका डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं आया तो एल बार इज नॉट कांस्टेंट। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। तो यहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर बार इंटू पी बार। सो एंगुलर मोमेंटम मतलब एल बार, ये आर बार मतलब पोजिशन वेक्टर, इंटू ये पी बार मतलब लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को अगर हम पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम। तो अभी हमें यह एल बार कांस्टेंट है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव। सो यहां पे हमारा स्टेप आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर मैं ये एंगुलर मोमेंटम को टी से डिफरेंशिएट करूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? डीएल बार अपॉन डी टी। सो डीएल बार अपॉन डी टी, ये आएगा एल बार का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, विच इज इक्वल टू, अभी यहां पे क्या है, यू इंटू वी। तो यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन कैसे आता है? तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं यू इंटू वी वाला। सो हम क्या करते हैं, कीप फर्स्ट एज इट इज, तो यहां पर आएगा आर बार इंटू सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, तो यहां पे आएगा डीपी बार अपॉन डी टी, देन प्लस, और अभी हम रखेंगे सेकेंड वाले को सेम। सो यहां पे आएगा कीप सेकेंड एज इट इज पी बार इंटू फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, सो वो आएगा डी आर अपॉन डी टी। तो हमने सिर्फ क्या किया, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी। सो एल बार का डिफ्रेंशिएशन आया डीएल अपॉन डी टी, देन यहां पे हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो क्या आएगा, कीप फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड वाले का डेरिवेटिव, देन कीप सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। सो यहां पे p का डेरिवेटिव आया था dp अपॉन डी टी, और यहां पे r का डेरिवेटिव आएगा dr अपॉन डी टी। तो अभी हमें यहां पे हर एक के वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो dr अपॉन डी टी होता है v बार, देन ये dp अपॉन डी टी होता है f बार मतलब फोर्स का वेक्टर, ये v बार मतलब वेलोसिटी वेक्टर, और ये p बार का फॉर्मूला है मतलब लिनियर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। तो इसमें ये v को बार आएगा। तो हमें क्या क्या रिप्लेस करना है, dr अपॉन डी टी इज इक्वल टू v बार, देन dp अपॉन डी टी इज इक्वल टू f बार, और देन हम ये p को मतलब ये लिनियर मोमेंटम को हम रिप्लेस करेंगे m इंटू वी बार से। तो हमारे इक्वेशन अभी क्या बनेगा, तो हमारा इक्वेशन बनेगा dl अपॉन डी टी, यहां पे आएगा बार, तो यहां पे आएगा r बार इंटू dp अपॉन डी टी क्या है तो f बार, देन प्लस p बार क्या है m इंटू वी बार, और यहां पे
इंटू डी आर अपॉन डी टी क्या है, वी बार। तो हमें जो इक्वेशन मिला था वो था डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर बार इंटू एफ बार प्लस एम इंटू वी बार क्रॉस वी बार। तो दोस्तों अभी ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, ये आर बार इंटू एफ बार रहता है टॉर्क और उसके ऊपर आएगा ये वेक्टर वाला बार, देन यहां पे प्लस क्या आएगा आगे, एम इंटू वी बार क्रॉस वी बार। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं सेम वेक्टर का तो v बार इंटू वी बार का आंसर आता है जीरो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर आता है हमेशा जीरो। सो जीरो इंटू एम बनेगा यहां पे जीरो। सो हमें क्या मिल गया, dl अपॉन डी टी इज इक्वल टू टॉर्क प्लस जीरो। सो हमें मिल गया dl अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओनली दिस टॉर्क। बट हमने हमारे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के स्टेटमेंट में क्या देखा था कि एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। सो अगर ये एक्सटर्नली अप्लाइड टॉर्क है जीरो तो हमारा आंसर क्या आएगा, टॉर्क का भी जीरो, बिकॉज एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। तो अगर ये टॉर्क का वैल्यू अगर जीरो है तो हमें क्या मिलेगा, dl अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो। सो यहां पे हमें क्या मिल गया, l का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों हमें यहां पे एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेटिव क्या मिला, तो जीरो। तो अगर डेरिवेटिव जीरो आया उसी का मतलब है एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट व्हेन नो टॉर्क इज अप्लाइड। तो यहां पे कंप्लीट हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन। देन हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो अभी हम देखेंगे। तो हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला था m इंटू वी। तो अगर लीनियर मोमेंटम है m इंटू वी तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो ऑफ रोटेशनल मोशन में भी देखा था कि हम m को रिप्लेस करते हैं एंगुलर के टर्म्स में i के साथ और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस करते हैं ओमेगा के साथ। सो यह है लीनियर मोमेंटम और ये l मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो हम m को रिप्लेस करेंगे i से और लीनियर वेलोसिटी को रिप्लेस करेंगे ओमेगा से, मतलब एंगुलर वेलोसिटी से। सो हमें नया फॉर्मूला क्या मिल गया, l इज इक्वल टू i इंटू ओमेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। तो अगर ये एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो हमें क्या मिलेगा, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। तो इसी का मतलब है अगर इनिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई वन और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वन, तो इसमें से हमने अगर आई वन को चेंज किया आई टू से तो ये ओमेगा वन भी अपने आप से ओमेगा टू बन जाएगा और वो इस तरह से चेंज हो जाएगा कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी सेम आएगा आई वन इंटू ओमेगा वन के जितना ही। सो यहां से हमें दो फॉर्मूले कौन से मिले, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा और आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, जिसमें से आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो चलिए अभी देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो हमारा फर्स्ट सम है, व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ डे इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एंड मास बीइंग अनचेंज्ड। तो यहां पे हमें क्या फाइंड करना है, ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम से 1/27 टाइम श्रिंक हुआ तो, और इस केस में हमारा मास क्या है, सेम है क्योंकि मास बीइंग अनचेंज्ड, तो मास कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ उसका वॉल्यूम ओरिजिनल से 1/27 टाइम कम हुआ है। सो यहां पे हमें कंडीशन क्या दिया है, हमें यहां पे कंडीशन दिया है न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/27 टाइम ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। सो हमें दिया था न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/27 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अभी अर्थ क्या है, तो अर्थ एक स्फीयर है, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो यहां पे क्या आएगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब।
इज इक्वल टू 1/27 इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम के लिए भी सेम फॉर्मूला, तो वो भी आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो अभी मैं इनिशियल वॉल्यूम के लिए रेडियस कंसिडर करता हूँ आर वन और न्यू वॉल्यूम के लिए मैं रेडियस कंसिडर करता हूँ आर टू। सो ये बन गया हमारा इक्वेशन। तो अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो अगर ये 4 ये साइड में चला जाएगा तो वो यहाँ पे अपॉन में आएगा, तो ये ऊपर वाला 4 और ये अपॉन वाला 4 कट हो जाएंगे। सो ये 4 और ये 4 कट हो जाएगा। देन ये 3 यहाँ पे आएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, तो ऊपर वाला 3 और ये नीचे वाला 3 कट हो जाएंगे। सो ये 3 और ये 3 चला जाएगा। सिमिलरली ये पाई भी ये साइड में अपॉन में आएगा तो इसके साथ कट हो जाएगा। तो फिर अभी हमारे पास क्या क्या बचा है, आर टू क्यूब इज इक्वल टू 1/27 इंटू आर वन क्यूब। तो अभी हमारे पास यहाँ पे आर टू क्यूब और आर वन क्यूब का रिलेशन है, तो हमें आर टू और आर वन का रिलेशन फाइंड करना है इस इक्वेशन से। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो आर टू क्यूब का क्यूब रूट क्या आएगा, तो वो आएगा आर टू, तो क्यूब निकल जाएगा। देन यहाँ पे आर वन क्यूब का क्यूब रूट क्या आएगा, तो वो आएगा आर वन, और यहाँ पे अपॉन में 27 का क्यूब रूट क्या आएगा, तो वो आएगा 3। तो हमने क्या क्या किया, ये जो रिमेनिंग इक्वेशन था उसका क्यूब रूट फाइंड किया। सो आर टू क्यूब का क्यूब रूट क्या आएगा, आर टू, आर वन क्यूब का क्यूब रूट आएगा आर वन, और ये अपॉन में 27 का क्यूब रूट आया 3। सो हमें यहां से रिलेशन क्या मिलेगा आगे, आर टू अपॉन आर वन, ये आर वन यहां पे जाएगा तो वो अपॉन में चला जाएगा। सो आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू, यहाँ पे अभी क्या बचेगा, ऊपर 1 और अपॉन में है 3। सो हमें रिलेशन मिला आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू 1/3। तो यहां तक हमने क्या फाइंड किया, न्यू रेडियस और ओरिजिनल रेडियस का रिलेशन। तो आर टू और आर वन के बीच का रिलेशन फाइंड करने के बाद अभी हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से क्या था फॉर्मूला, आई वन ओमेगा वन इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू। सो अभी यहां से हमें क्या मिलेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है स्फीयर वाले केस में, तो हमने हमारे लास्ट वीडियो ऑफ रोटेशनल मोशन में देखा था कि स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है 2/5 एम आर स्क्वेयर। तो यहां पे अभी आई वन है तो यहां पे आएगा एम इंटू आर वन स्क्वेयर, और मैं यहां पे m को 1 नहीं लिखूंगा क्योंकि मास दोनों केस में सेम ही है। देन ओमेगा 1 का फॉर्मूला क्या आएगा, ओमेगा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, तो टाइम। तो टाइम के टर्म्स में ओमेगा का फॉर्मूला है 2π/T। तो मैं यहां पे 1 है इसके लिए यहां पे t1 लिखता हूं। सिमिलरली ये फॉर्मूला यहां पे भी आएगा, तो यहां पे कैसे आएगा, तो ये नेक्स्ट केस में भी अर्थ स्फीयर ही है तो यहां पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर आएगा, तो वो आएगा 2/5 एम इंटू आर टू स्क्वेयर, यहां पे आएगा आर वन स्क्वेयर, यहां पे आएगा आर टू स्क्वेयर। देन इंटू यहां पे सेकेंड ओमेगा क्या आएगा, 2π/ ओमेगा 2 है इसके लिए यहां पे आएगा t2। तो अभी हमें इसे सिंप्लीफाई करना है और आर वन आर टू का रिलेशन पुट करना है, तो उससे हमें मिल जाएगा रिक्वायर्ड ड्यूरेशन ऑफ द डे इन न्यू कंडीशन। तो यहां पे ये सिंप्लीफाई कैसे होगा, हमने जैसे हमारा लास्ट कैलकुलेशन किया था उसी तरह से अगर ये 2 यहां पे चला जाएगा तो वो यहां पे अपॉन में आएगा, तो वो अपॉन वाला 2 और ये ऊपर वाला 2 कट हो जाएंगे। सो ये गया इसके साथ। सिमिलरली ये अपॉन वाला 5 यहां पे ऊपर जाएगा तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला 5 कट हो जाएंगे। सिमिलरली ये एम भी यहां पे अपॉन में आएगा और ये दोनों एम कट हो जाएंगे, और उसी तरह से ये 2π यहां पे जाके अपॉन में 2π बनेगा, तो ये 2π और ये भी 2π कट हो जाएगा। तो यहां पे अभी क्या क्या बचा है, यहां पे बचा है आर वन स्क्वेयर और उसके अपॉन में आएगा t1 विच इज इक्वल टू यहां पे है आर टू स्क्वेयर और अपॉन में है t2। तो ये है टाइम मतलब ड्यूरेशन ऑफ डे इन ओरिजिनल कंडीशन, और ये है टाइम मतलब ड्यूरेशन ऑफ द डे इन न्यू कंडीशन। सो अभी हमें कौन सा टाइम फाइंड करना है, तो t2 नए कंडीशन में ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या है। सो यहां से हमें t2 क्या मिलेगा, देयरफॉर
ये T2 यहाँ पे जाएगा तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है R2 स्क्वायर, और ये R1 स्क्वायर यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा. सो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, उसी का मतलब है R2 अपॉन R1 का स्क्वायर. और ये T1 यहाँ पे जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने पहले T2 को यहाँ पे लिया तो वो न्यूमरेटर में चला गया, देन ये R2 स्क्वायर था और ये यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा. सो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर. सो R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर क्या बनेगा, तो R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर, देन ये T1 यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो अभी हमें सिर्फ इनका वैल्यूज पुट करना है, तो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर. सो देयरफॉर T2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 का रिलेशन क्या था, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू था 1/3. सो 1/3 का स्क्वायर मतलब वो क्या बनेगा 1/9 इंटू ये T1 का वैल्यू क्या रहेगा. तो हमारे ओरिजिनल कंडीशन में ड्यूरेशन ऑफ डे क्या रहता है, तो हमारा ड्यूरेशन ऑफ डे क्या रहता है जनरली 24 आवर्स. सो ये T1 आएगा 24 आवर्स, क्योंकि नॉर्मली ड्यूरेशन ऑफ डे ऑफ अर्थ क्या रहेगा तो 24 घंटे. तो अभी हम इसे सिर्फ डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा नए कंडीशन में ड्यूरेशन ऑफ द डे. सो 24/9 क्या बनेगा 2.667 आवर्स. तो इसे फाइंड करने के लिए हमने क्या क्या किया, हमने पहले न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/27 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम किया, तो उससे हमें R1 और R2 के बीच का रिलेशन मिला. देन हमने अप्लाई किया कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का प्रिंसिपल, जिसमें हमने I1 और ω1 के और I2 और ω2 के वैल्यू पुट किए, तो उसको सिंप्लीफाई करके हमें मिला ये आंसर. तो अगर अर्थ का वॉल्यूम 1/27 टाइम श्रिंक हुआ तो हमारा न्यू ड्यूरेशन ऑफ द डे आएगा 2.667 आवर्स. तो यहाँ पे हमारा सेकेंड सम है, वेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकेंड टू 40 रेडियन पर सेकेंड, इट्स एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय 80 kg m² per second, देन फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे हमें एक बॉडी दिया है जिसका एंगुलर वेलोसिटी 20 से 40 रेडियन पर सेकेंड तक चेंज हो रहा है, और जिसकी वजह से उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है 80 kg m² per second से. तो इस केस में हमें फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया है, तो वो है 20 रेडियन पर सेकेंड. सो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मतलब ω1, तो वो दिया है 20 रेडियन पर सेकेंड. देन हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या दिया है, ω2, तो वो है 40 रेडियन पर सेकेंड. सो देन हमें दिया है एंगुलर मोमेंटम चेंजेस बाय 80 kg m² per second, तो एंगुलर मोमेंटम रहता है L. तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, एक तो L1 - L2 या फिर L2 - L1. तो दोस्तों आपको यहां पे याद रखना है, अगर ओमेगा 2 बड़ा है तो हमारा आंसर आएगा L2 - L1, मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आएगा L2 - L1, और अगर ओमेगा 1 बड़ा है ओमेगा 2 से तो हमारा यहां पे आंसर आएगा L1 - L2. तो इस केस में ओमेगा 2 बड़ा है मतलब 40 है, 20 से बड़ा है. सो अगर ओमेगा 2 बड़ा है तो हमारा आंसर आएगा L2 - L1. तो हमें ये L2 - L1 मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या दिया है, तो 80 kg m² per second. तो अभी एक्चुअल में L2 - L1 के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, सो देयरफॉर L2 - L1 इज इक्वल टू, L2 का फॉर्मूला क्या होता है, I into ω2. तो ये L2 का फॉर्मूला होता है I2 into ω2, बट अभी यहाँ पे बॉडी कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी L2 और L1 दोनों केस में सेम रहेगा, इसके लिए मैंने यहाँ पे I2 नहीं लिखा. देन माइनस यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आएगा, I1 into ω1, बट मैं यहाँ पे I1 नहीं लिखूंगा क्योंकि दोनों केस में I का वैल्यू सेम ही रहेगा. तो हमारा L2 - L1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, I into ω2 - I into ω1.
सो अभी यहां से हम आगे क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, दोनों केस में I कॉमन है तो I यहाँ पे कॉमन आएगा, यहां से बचेगा ओमेगा 2 और यहां से बचेगा ओमेगा 1। सो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो अभी हमें जस्ट इसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो देयर फोर L2 माइनस L1 का वैल्यू है 80 इज इक्वल टू, आई का वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है, और ओमेगा 2 का वैल्यू है 40 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू है 20। सो यहां से हमें क्या मिलेगा, 80 इज इक्वल टू आई इंटू 40 माइनस 20 कितना बनेगा 20। सो देयर फोर आई इज इक्वल टू ये 20 यहां पे अपॉन में चला जाएगा, तो वो आएगा 80 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 4, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वेयर। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिला, 4 kg m². तो इसे फाइंड करने के लिए मैंने क्या क्या किया, पहले लिखा ओमेगा 1 का वैल्यू, देन लिखा ओमेगा 2 का वैल्यू, देन अगर इन दोनों में से ओमेगा 2 बड़ा रहेगा तो यहां पे आएगा L2 माइनस L1, और इन दोनों में से अगर ओमेगा 1 बड़ा रहेगा तो यहां पे आएगा L1 माइनस L2। तो इस केस में कौन बड़ा है, तो ओमेगा 2 बड़ा है, तो यहां पे आ गया L2 माइनस L1। देन मैंने उसका एक्चुअल फॉर्मूला लिखा, तो वो आएगा I2 ओमेगा 2 माइनस I1 ओमेगा 1, बट दोनों कंडीशंस में आई का वैल्यू सेम ही है, सिर्फ ओमेगा का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो मैंने आई को 1 और 2 नहीं लिखा। देन मैंने यहां से आई कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचेगा ओमेगा 2 माइनस यहां से बचेगा ओमेगा 1। देन मैंने सिर्फ यहां पे सबका वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे मिला आई का वैल्यू 4 kg m². तो अभी इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू का यूज करके हम फाइंड करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो अभी हमें फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो हमने हमारे फर्स्ट वीडियो ऑफ रोटेशनल मोशन में देखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला था हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वेयर। देन हमें क्या फाइंड करना है, तो चेंज फाइंड करना है, तो हम चेंज कैसे फाइंड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इन फाइनल कंडीशन माइनस काइनेटिक एनर्जी इन इनिशियल कंडीशन। तो अब ये फाइनल कंडीशन के लिए यहां पे क्या आएगा, आई टू इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर, बट दोनों केस में आई का वैल्यू सेम ही है, तो हम सिर्फ ओमेगा के वैल्यूज चेंज करेंगे। तो ओमेगा का फाइनल वैल्यू क्या रहेगा, ओमेगा 2, और ओमेगा का इनिशियल वैल्यू क्या रहेगा, ओमेगा 1। तो हमें यहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के लिए फॉर्मूला क्या मिला, 1/2 आई इंटू ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 आई इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर, जिसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का। तो वो फॉर्मूला क्या था, 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वेयर, तो उसका यूज करके हमने ये इक्वेशन फाइंड किया। तो ये आगे कैसे सिंप्लीफाई होगा, यहां से मैं 1/2 और आई को दोनों में से कॉमन लूंगा, सो 1/2 इंटू आई और ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, ओमेगा 2 स्क्वेयर और यहां से बचेगा ओमेगा 1 का स्क्वायर। तो अभी हमें बस सबके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो यहां पे आएगा 1/2, देन हमने आई का वैल्यू फाइंड किया था 4, देन ओमेगा 2 का वैल्यू दिया था 40, तो यहां पे आएगा 40 का स्क्वायर, देन माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू था 20, तो यहां पे आएगा 20 का स्क्वायर। तो अभी हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये 2 और ये 4 कट हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा 2। सो 2 इंटू ब्रैकेट 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400। सो 2 इंटू 1600 माइनस 400 तो वो बनेगा 1200। सो 2 इंटू 1200 क्या बनेगा, 2400। और ये काइनेटिक एनर्जी है, तो इसके लिए इसका यूनिट आएगा जूल्स। तो यहां पे हमें मिल गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जो कि आया 2400 जूल्स। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने क्या क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला यूज किया,
जो कि था 1/2 i(ω²। तो हमने ये फाइनल कंडीशन के लिए वो फॉर्मूला को लिखा 1/2 i(ω²² और यहाँ पे लिखा 1/2 i(ω)1² जो कि था इनिशियल कंडीशन के लिए। देन हमने यहाँ से 1/2 और i को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा ω²-ω1² देन हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट किए और उसे सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया हमारा रिक्वायर्ड फाइनल आंसर फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन जो कि आया 2400 जूल्स। तो दोस्तों इस तरह से कवर होते हैं हमारे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इम्पोर्टेंट सम्स। तो इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस टॉपिक में अगर आपको जरा सा भी कुछ डाउट रहेगा देन यू कैन प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारा बेसिक न्यूमेरिकल्स ऑफ रोटेशनल मोशन का वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो देन प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे लर्नोपीडिया चैनल को और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।